हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो कि ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है, ऑक्सीजन प्लांट लगने से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऑक्सीजन प्लांट ना होने से अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट से साल में ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। हमीरपुर में राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इस महीने के आखिर में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था। इसके लिए टेंडर भी हो गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के लिए कमरा भी लगभग तैयार है। इसके लिए आप केवल 1-2 दिन का ही समय लगेगा। राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के MS डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस माह के आखिर तक महाराष्ट्र से ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनरी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट बन जाने से ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इमरजेंसी में ऑक्सीजन की उपलब्धता हमेशा रहेगी। हमारा उसमें ये 15 बेडेड का जो गवर्नमेंट का सेंक्शन हुआ है हमारा, जो कि एमरजेंसी के हिसाब से बन रहा है, इसका बजट जो हमें 1 करोड़ रुपये आया था और इसका टेंडर भी हो गया, टेंडर लग भी गया है। और जो एक पीछे इसमें ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और ऑक्सीजन की पाइपें जिसको मैनीफोल्ड बोलते हैं वो लग रहा है, उसका ऑक्सीजन प्लांट का जो बिल्डिंग है, एक कमरा चाहिए होता है उसके लिए, वो लगभग तैयार है, 2-3 दिनों में तैयार हो जाएगा। और उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक जो है मशीनरी जो है वो महाराष्ट्र से आनी है ऑक्सीजन प्लांट की। उनसे साथ भी संपर्क हुआ था, वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट का जो सामान वो आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी इसमें। ये एक तो कोविड वार्ड के रूप में यूज़ हो जाएगा और दूसरा फ़ायदा इसका होगा कि लगातार ही हमारा एमरजेंसी एमरजेंसी है, ICU है हमारे, और नीचे के जो वार्ड हैं उनके लिए लगातार जो है ऑक्सीजन पाइप से सप्लाई जो हमेशा रहेगी और सिलेंडरों के ऊपर फिर निर्भर नहीं।